बॉलीवुड न्यूज स्टेशन से विजय तस्वीर। पुनीत दीक्षित 1920 के संगीत निर्देशक, दिल की भयावता। पुनीत दीक्षित, आपको उनके साथ बातचीत करने के लिए और महेश भट्ट को फिल्म के संगीत के बारे में बताने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसके बाद केक काटा। भट्ट साहब ने सभी को आशीर्वाद दिया, लेखक टीम भी वहां पर उपस्थित थी। बातों बातों महेश भट्ट जी ने कैफी आदमी ओपी नैयर को याद किया, कुछ किस्से कुछ सच्ची बातें बताई। कल का संगीत और आज के युग का संगीत बहुत कुछ कहता है। भट्ट साहब ने मध्य प्रदेश की युवा पीढ़ी को आशीर्वाद, उनके लेखन और संगीत गायन को सराहा। नदीन श्रवण की जोड़ी को याद करके पुनीत दीक्षित को युवाओं की पसंद, मेहनत का फल जनता जनार्दन है, ईश्वर सबके साथ है। मीडिया का प्रश्नों का उत्तर अपने चिर परिचित अंदाज में शैली में दिया, कुछ एक बातें उन्होंने टाल दिया, मीडिया को अपना प्यार दिया और अपनी फोटो भी खिंचवाई मीडिया के साथ में। सबका साथ सबका विकास, सदाबहार मूड में थे। सभी से विनम्र विनंती से विदाई ली, जय हिंद जय महाराष्ट्र। लोकेशन मैड स्टूडियो, थर्ड फ्लोर, RTO रोड, अंधेरी वेश, शाम को 5:30 बजे। इसके PR प्रशांत गोलेचा। बॉलीवुड न्यूज स्टेशन, विजय तस्वीर। वहाँ होता है जहाँ पर होना चाहिए। तो ये जो है, हम आज एक खास मकसद से आए हैं। मेरे लेफ्ट पे पुनीत दीक्षित जी हैं, राइट पे श्वेता बोथरा जी हैं। पुनीत जी ने 1920 का म्यूजिक दिया है, श्वेता जी ने हमारे साथ ही एज अ लिरिक राइटर एक सफर शुरू किया है। तो मैं सोच रहा था कि मैं आज आके आप लोगों के साथ में बात जब करूँ तो क्या करूँ। अक्सर हम बात करते हैं तो फिल्म की बात करते हैं, लेकिन की बात करते हैं, तो लगा ना मुझे दो महारथियों की याद की हुई। MM क्रीम किरवानी जी और आनंद बख्शी जी। एक्चुअली तीन, उससे पहले नवीन श्रवण और समीर, उसके बाद कतील शिपाही साहब और अनु मलिक। ये तीन म्यूजिक डायरेक्टर्स और लिरिक राइटर का जो एक रिश्ता था, उनकी जो जुगलबंदी होती थी, उससे वो संगीत पैदा हुआ जिसकी वजह से लोग मुझे आज जानते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम नहीं किया, मगर क्योंकि ये मैं इस कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, लिरिक राइटर एंड म्यूजिक डायरेक्टर का एक इंड्योरिंग कॉम्बिनेशन, तो मैं अपनी बात सिर्फ इन तक सीमित रखूँगा। वैसे कौशल मुनीर जी ने भी काम किया मेरे साथ और बहुत सारे और लोगों ने, सही काफी ने किया है मेरे साथ में, मेरा दोस्त, मेरा अजीज दोस्त, जिसने प्रीतम के साथ में बहुत गाने लिखे थे, जिसने 2000 की शुरुआत में उसने एक अपनी किस्म की राइटिंग की थी और फिर एक नई ऊर्जा अपने राइटिंग से उसने अपने गानों में ले ली। तो मैंने कुछ ऐसा घटते हुए देखा मेरे सामने, पुनीत और श्वेता के कॉम्बिनेशन के साथ। दोनों मध्य प्रदेश के हैं, जिसको आप बोलते हैं हिंदुस्तान का हार्टलैंड। दोनों जो हैं एक नौजवान पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब मैं पहले मरतबा पुनीत से मिला था तो मुझे याद है एक टेलीविजन का एक हम एक शो कर रहे थे स्टार के लिए, दिल जैसे धड़के धड़कने दो। तो एक छोटा सा नौजवान लड़का आया था बहुत एक्साइटमेंट लेकर, संजय मासूम जी के साथ में, जो खुद एक बहुत अच्छे लिरिक राइटर भी और राइटर भी है, और इसने कमाल का गाना लिखा। काश वो टेलीविजन शो उस गाने से लॉन्च होता तो शायद उसकी जो DRP जो है शुरू से कम आसमान को छूती, मगर वो ऐसा नहीं हुआ। फिर वो कोविड आ गया तो वो शो ही उसने दम तोड़ दिया। मगर जब कोई आपको अच्छा फनकार मिलता है तो वो अपनी छाप छोड़ा। तो मेरी जो राइटर हैं श्वेता जी को बार बार ये लड़का याद आता था कि भैया कि
अगर हमको नया संगीत चाहिए के लिए तो नया संगीत तो नए लोगों से ही आएगा ना। अगर हम अपने ही फिर स्विमिंग पूल में फिशिंग करते रहेंगे तो कैसा होगा? ये बात सही है, अक्सर हम अपने फिर स्विमिंग पूल तो छोड़ो अश्वता, हम तो अपने जो बाथटब में ही फिशिंग करते हैं, बहुत अपनी अपनी पहुंच जो है हम बहुत ही लिमिटेड कर देते हैं। फिर जब हमें इस बच्ची से मिला विक्रम के साथ, जब मैंने अपना सफर शुरू किया, तो ये वहाँ पर राइटिंग रूम से कनेक्टेड थी, मगर मैंने देखा था इसके अंदर स्पार्क है लफ्जों को लेकर, इसके अंदर इसके लफ्जों में एक संगीत है। तो मैंने इससे कहा, बच्ची व्हाई डोंट यू राइट, तुम लिरिक्स लिखो। तो ये इसको अपने आप पैदवार नहीं था। तो मैंने कहा क्या होगा, बुरा गाना लिखो तो अगर गिरते पड़ते, हम भी यहाँ पर हमने 54 साल गुजार लिए हैं, तो तुम भी गिरते पड़ते सीख ही जाओगी। अब मेरा ये मानना है, अब ये क्या होता है, कामयाब रिश्ते जो हैं बड़ी मुश्किल से जुड़ के रह पाते हैं, और ये कॉम्बिनेशन जो है मैंने देखा, ये हमारे साथ में श्रीता की जी की जो अगली पिक्चर जो है हम बना रहे हैं हरे कृष्णा मीडिया टेक में स्ट्रगलर, उसके गाने भी इन्होंने कंपोज किए, लिरिक्स इन्होंने लिखी है, ये हमारे साथ बहुत सा ज़्यादा काम करने वाले हैं आने वाले कल में। और लेखक क्योंकि हमारे राइटिंग रूम का ये हिस्सा है, और जब कोई लिरिक राइटर आपके राइटिंग रूम से कनेक्टेड होता है तो उसकी राइटिंग में वो कथानक की गूंज होती है। नहीं तो बाहर से जब हम लाते हैं एक लिरिक राइटर तो उसको हम सिचुएशन समझाते हैं, मगर बहुत कोशिशों के बावजूद, बहुत ईमानदारी के बावजूद भी वो कुछ कटावा, कुछ अलग जिस्म का एक हिस्सा लगता कि आगे जुड़ गया है। तो मेरा ये मानना है कि मैं चाहूँगा कि ये दोनों अपने इस कॉम्बिनेशन को ज़िंदा रखें, और 1920 के गाने जो हैं बहुत ही खूबसूरत गाने हैं। एक 1920 फ्रेंचाइज जो एक हॉरर फ्रेंचाइज है, जिसमें अक्सर आप ये उम्मीद करते ही नहीं है कि कुछ राइटिंग में गहराई होगी। अगर आप गाने सुने जो शायद इन्होंने आपको नहीं सुनाया, तो आपको महसूस होगा कि संगीत से लेकर इनकी राइटिंग में एक ऐसी गहराई है जो हमारी कहानी को एक डेप्थ देती है। नहीं तो ये हॉरर फिल्म में ऐसे गाने बड़ी मुश्किल से आते हैं, और आते हैं तो हमारी राज थी वो भी बहुत बड़ी हिट थी, हॉरर जॉनर की फिल्म थी, मगर वो रोमांटिक सॉन्ग्स, तो रोमांटिक सॉन्ग का एक अपना एक मयार होता है और वो दिल की गहराइयों तक पहुंच नहीं पाते। तो मैं तो श्वेता से कहता हूँ कि इसने एक डोरी जो लिखी है, जो इसने कंपोज की है, वो इतनी आउटस्टैंडिंग है, जो मैं चाहूँगा कि आप उसे सुने यहाँ पर, और आप अब इनसे पूछें, क्योंकि मेरा फर्ज ये था कि एक नौजवान पीढ़ी जो आने वाले कल में टॉर्च बेयरर्स होंगे, जिनके गाने आप सुनेंगे, उनसे आप रूबरू हुए, उनसे बात करें, क्योंकि ये आने वाले कल में ये फ्रंट रोज में आपको मिलेंगे, और यकीनन अपनी वो पहचान बनाएंगे जो बाकी ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड राइटर्स हैव क्रिएटेड इन द पास्ट। कभी इनका भी जिक्र वैसे ही होगा जैसे मैंने भी एमएम करीम साहब का किया, पक्षी साहब का किया, समीर जी का किया, नदीम शबन का किया, सईद कादरी या प्रीतम का किया, और कतीर शिफाई साहब अनु मलिक का किया। अनु मलिक का तो पूर्ण जीवन जन्म हुआ था फिर तेरी कहानी याद आई। तो जब लफ्जों के साथ में म्यूजिक डायरेक्टर की रूह जुड़ जाती है तो कुछ और ही हो जाता है, और वही रहा है राज हमारे में। कोई ऐसे कुछ जादू की शिल्पा बड़ी नहीं होती हमारे पास, हम केवल म्यूजिक डायरेक्टर्स की गहराई को छूते हैं, लिरिक राइटर की गहराई को छूते हैं, फिर बाकी सब चमत्कार इनका होता है। ये तो आप लोग हमको फोरग्राउंड में रखते हैं, तो ये बेचारे
पीछे रह जाते हैं जब तक उसके डायरेक्टर बहुत बड़ा स्टार नहीं बन जाए। एक ज़माना था हम बचपन में, शायद आप लोग तो कोई पैदा भी नहीं हुआ होगा, एक ओपी नैयर साहब थे, वो इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे कि उनके होर्डिंग्स लगते थे और उन वो बहुत पॉपुलर सिगरेट ब्रांड्स की को एडवर्टाइज करते थे। बम्बई की सड़कों पर आप देखते थे कि ओपी नैयर साहब का होर्डिंग। फिर एक ज़माना था जब डिस्ट्रीब्यूटर पूछते संगीत किसका, म्यूजिक किसका, तो वो दौर जो है कहीं पर एक डिजिटल एज में और एक रीमिक्स के ज़माने में कहीं पर हम अपनी रूह से कट गए हैं, अपनी मेलेडी से कट गए हैं। और कहिए क्योंकि ये मेन लैंड हार्ट लैंड ऑफ इंडिया से आए हैं, इनके कानों में भी वो गाने गूंजते हैं जिसपे ये पले हैं बड़े हैं, हमारे गाने सुनकर। मगर इनका अपना बहुत कुछ है जो ये लेके आए हैं और वो जो उनका अपना है उसके वजह से हमारे पुराने जो जाले हैं, हमारे पे जो जंग और हमारे पे जो धूल जो है चिपकी है, हम कुछ धुल जाते हैं, कुछ साफ हो जाते हैं। और जैसे मैंने पिछली प्रेस मीटिंग में भी कहा था कि ये दौर है रिवर्स मेंटरिंग का, एक नौजवान जनरेशन के गले से आपको इस मुल्क की मौजूदा हालत से जुड़ना चाहिए। द एल्डर्स हैव अ राइट एंड देयर ड्यूटी टू गाइड देम, मगर ये ऊर्जा इनकी है, सेंटर स्टेज इनका है, इनको राइटली वो सेंटर स्टेज मिलना चाहिए जो इनको अक्सर नहीं मिलता। और अभी हॉलीवुड में जो झगड़ा चल रहा है राइटरों का, उनका स्ट्राइक चल रहा है जिसको स्क्रीन एक्टर्स ने भी सपोर्ट किया है, वो यही है कि अक्सर स्पॉटलाइट जो वहाँ पड़ती नहीं है, कोलैबोरेटिव खेल है ये जब हम मैच जीतते हैं तो केवल एक आदमी जो सेंचुरी बनाता है उसके वजह से भी जीतते हैं, मगर हम एक ही व्यक्ति का चेहरा, एक ही व्यक्ति को हम पूरा फोकस देते हैं। तो ये फोकस मार्केटिंग हमारी इंटेंशन थी, इसलिए अब मैंने काफ़ी कुछ बोल लिया है, अब स्पॉटलाइट इस बच्ची पे और इस बच्चे पे होगी और बाकी जो राइटर्स हैं, अमन जी भी राइटर हैं और सुनीता जी भी है, इनसे मदद। तो पुनीता एंड श्वेता जी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है भट्ट साहब ने आप लोगों को, कि फ्यूचर का बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो आप लोग कुछ कहना चाहेंगे एंड कि क्या कुछ आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा? पहले कौन बोले, ये बोले कि ये बोले? भट्ट साहब की बातों को तो ऑफिशियली ड्रग डिक्लेयर कर देना चाहिए। अरे बाबा बाबा, ऐसा लगता है वो जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है सुनते ही जाओ, वो बहुत आप बोलते रहा करिए ऐसी, और वो हम इतना हम लोग वो हो जाते हैं कि इतनी बातें सीखने को मिल जाती है। और जो म्यूजिक हम लोगों ने निकाला है वो कहीं ना कहीं इनकी बातों से ही आया है। एक गाना है वो कहानी फिर कभी 1920 का पहला गाना, मैं उसका एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। दिल जैसे धड़के रखने दो के टाइम पे हम लोग सेट पे थे फिल्म सिटी में, तो भट्ट साहब से किसी ने पूछा कि भट्ट साहब आप सड़क टू के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, तो भट्ट साहब ने बोला वो कहानी फिर कभी, एंड मैंने वो लाइन नोट कर ली यार ये तो गाना है। एंड फिर वो कोविड वगैरह आ गया था तो गाना मैंने बनाया एंड मैम को भेजा था बहुत पहले, एंड वन ऑफ दी मैम फेवरेट सॉन्ग वॉज, तो वो गाना फिर मैंने जब भट्ट साहब को सुनाया तो ये किस्सा बताया, तो देखिए 1920 में वो गाना आ गया। अच्छा, तो ऐसी इतनी सारी बातें हैं जिसको हम लोग कुछ बोलते तो हम लोग हैं नहीं, क्योंकि बोली नहीं पाते वहाँ पे बैठ के, तो सिर्फ सुनते रहते हैं, लेकिन सुनते हुए भी हम लोग बहुत कुछ निकाल लेते हैं। इवन श्वेता तो पूरे टाइम वहाँ ही रहती है, तो चुराती तो कॉन्टेंट तो यहीं से आता है और यहीं से आता रहेगा आने वाले समय में, तो जो भी आपको सुनाई देगा दिखाई देगा वो रिफ्लेक्शन तो भट्ट साहब का ही है। और एज यू नो ऑल की भट्ट साहब का मेरा मुझ में कुछ नहीं, मैंने भी कहीं से हासिल किया है। तो जैसा कि आप लोगों ने तो सब देखा है और हिस्ट्री भी है कि भट्ट साहब के निकाले हुए गाने, फिल्म्स, एवरीथिंग जो कि इतने मज़ेदार होते हैं, कमाल के होते हैं, मैंने भी वहीं से सीखा है। एज स्कूल गोइंग किड 2008 में मैंने फर्स्ट टाइम 1920 के गाने सुने थे और मैंने बोला था वह कमाल का म्यूज़िक है, बहुत अच्छा म्यूज़िक है। फिर मुझे भट्ट साहब का नाम पता चला एंड विक्रम भट्ट सर का नाम पता चला और मैंने सोचा कि अगर कोई म्यूज़िक को मेरे समझ सकता है या उनको थोड़ा पसंद आएगा तो वो भट्ट साहब है।
एंड देखिए डेस्टिनी की आई एम डूइंग 1920 का एक सीक्वल. तो दिस इज काइंड ऑफ अ सक्सेस टू मी एंड उसके लिए आपको इनको बोलना चाहिए पुल उन्होंने बता दिया. स्वेता मैम अगर हमारे बीच नहीं होती तो शायद मैं तो भट्ट साहब तक नहीं पहुंचता. बट इनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है एंड भट्ट साहब का तो रहा ही है. वो तो हमेशा सपोर्ट करते हैं नए लोगों को. उनके पास कोई भी आता है तो उसको काम मिलता ही है अगर वो डिजर्व करता है. तो जिसका खुदा नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है. और इंडस्ट्री में यही खुदा है भाई बहुत लोगों को. क्या होता है कि जब हम बिल्कुल सेंटर में पहुंच जाते हैं ना इंडस्ट्री पे, तो हमारी एक हमारा सर्कल लिमिटेड हो जाता है. तो मुझे याद है कि सोनी जो इंटरनेशनल लेबल के जो एक रिप्रेजेंटेटिव आए थे जिनके साथ हमने कुछ तकलीफें बनाई थी, उसने एक बात कही थी कि जब हिंदुस्तान के फिल्म मेकर्स को ये बात समझ में आ जाएगी कि वो लोग जो इंडस्ट्री से कनेक्टेड नहीं हैं, जो यहाँ पर मौजूदा जो राइटर्स नहीं हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स नहीं हैं, उनके साथ काम करना शुरू करेंगे, तो हो सकता है कि ये जो दीवारें आपने खड़ी की हैं जहाँ पर सिर्फ कुछ लोग अंदर प्लेयर्स हैं बाकी बाहर हैं, हो सकता है कि वो ला के आपके अंदर एक नई जान दे. तो सुरीता जो थी ये बंगाल से आई हैं, कलकत्ते से आई हैं, तो वो लिटरेरी फेस अपना वर्ल्ड से आई हैं. तो इसकी इसके पास वो आँख थी कि जब हम म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो इसने हमको कहा, विक्रम को कहा कि क्यों ना हम उस लड़के को दें जिसने हमारे लिए एक गाना दिया. मगर वो शो बंद हो गया. फिर हमने वो गाना सुनाया विक्रम को, तो विक्रम ने कहा यह वाकई ये कमाल का गाना है. और फिर वहाँ से एक शुरुआत हुई. मगर वो आँख जो है वो एक पाक आँख थी, उस पर बाजार की धूल नहीं बैठती. और इसलिए मैं कहता हूँ कि नया संगीत, नई राइटिंग, नया टैलेंट ही आके एक नई ऊर्जा लाएगा. और हमको अपनी ये तो आजकल फॉर्चुनेटली है डिजिटल एज की वजह से आपके पास इंफॉर्मेशन, आपके पास कंटेंट दुनिया भर से आ जाता है. तो ये मगर फिर भी जैसे मैं इसको कह रहा था, ऐसे यार मुझे समझ में नहीं आता तो इतना टैलेंटेड आदमी है, आज के गेटकीपर्स जो हैं कोई है ही नहीं. ये मुझे याद है टिम कुक जो थे सीईओ के, अब है एप्पल, एप्पल के, वो जो हमारे सेट पे आए थे महबूब मैन, तो उन्होंने ये सब आईफोन ऐसे उठाया, उन्होंने कहा कि ऑल दैट यू नीड इज दिस टू मेक डिस्ट्रीब्यूट एंड कंज्यूम फिल्म्स, दिस हैज चेंज द वर्ल्ड. मैं उसकी आंखों में जो चमक थी और जिस सर्टेनिटी के साथ उसने ये सत्य का इजहार किया, मैं कभी भूल ही नहीं सकता. और ये फैक्ट मैं इससे कह रहा था, मैं इनसे कह रहा था, मैं इनको कहता हूँ कि वो गेटकीपर्स जो हैं वो खुद आउटडेटेड हो गए हैं. आज आपको ऑडियंस तक पहुँचने के लिए ब्रिज सारे मौजूद हैं आपके पास, क्योंकि आखिरकार आपको पहुँचना दर्शक तक है ना या लिसनर तक है. तो आप जरूरी नहीं है कि आप किसी एक एस्टैब्लिश्ड लेबल के दरवाजे पे जाकर घुटने टेक कर उनसे गड़गड़ा कर कहें कि साहब मैं बहुत टैलेंटेड आदमी हूँ. भैया आप कितने भी टैलेंटेड हो अगर मेरे पास वो आँख ही नहीं तो आप क्या करेंगे. तो आप लोग कभी कभी भी लगता है कि आप अंधों के शहर में आईना बेचने निकले हैं. आप दूसरों को कैसे दिखाएंगे कि आप में इतना टैलेंट है. तो मैं अक्सर ये भी कहता हूँ कि देयर इज नो लैक ऑफ टैलेंट इन दिस कंट्री, देयर इज अ लैक ऑफ टैलेंट टू स्पॉट टैलेंट. और यही एक बात अगर हम याद कर लें, उसकी गांठ बांध लें, तो हम अपने आप को फ्रेश और रीइन्वेंट करते रहेंगे. आया था कि साहब आजकल तो हर कोई व्यक्ति जो है जर्नलिस्ट हो गया है, मगर एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन होती है. एक व्यक्ति होता है जिसने तपस्या से
बहुत मेहनत से एक क्राफ्ट को मास्टर किया है, जब उसका आप काम पढ़ते हैं, एक एस्टैब्लिश्ड न्यूज़पेपर हो या एक एस्टैब्लिश्ड नेटवर्क हो, उसका आप कंटेंट देखते हैं, तो उसका कोर, उसमें कोर होता है, उसका अंदाज आपको पेश करने का होता है नया, और वो एक सम्मान करते हैं आपके वक्त का। तो मेरे हिसाब से ये बहुत कुछ चीज़ें बदलने के बाद में लगता है कि एक डिल्यूज है और ये एक सुनामी ऑफ कंटेंट कहीं पर आया। उसमें एक फ्रेज था कि लुकिंग फॉर अ नीडल इन अ हेस्टैक, मगर नाउ यू लुकिंग फॉर दैट नीडल इन अ रूम फुल ऑफ नीडल्स। तो उसमें आपको वो कैसे मिलेगा, तो हेस्टैक में तो मिल जाती है आपको एक नीडल। तो ये वाकई एक अपने आप में प्रॉब्लम है। इसलिए जैसे ये फोकस मार्केटिंग की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम आपसे फिल्म की प्रमोशन के लिए निकलते हैं तो अक्सर हमारे जो मेन प्लेयर्स होते हैं वो कहीं पर एक्लिप्स हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। तो उनको उनका अधिकार है उनको असर्ट करने का, और हमारा फर्ज है उनको आगे पुश करने का, क्योंकि ये तो वो बैलेंस ऑफ पावर इन अ प्रोडक्शन हाउस और इन अ फिल्म कम्युनिटी वो अनइवन होता है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप बहुत बड़े स्टार बन जाएं और आपके एक्स नंबर ऑफ गाने जो हैं वो बिकें, तब जाके ही आप दुनिया को बोलेंगे कि अब हाँ ये व्यक्ति कमाली है, और बाकी जो है जो बैकग्राउंड में है उसको आप फोकस ही नहीं देंगे। सो आई पर्सनली फील के जिससे मैं अपने आप राइटिंग रूम में कहता हूँ कि द स्टोरी लिसनर इज फार मोर इंटेलिजेंट देन द स्टोरी टेलर। कि हमारा जो सिक्योरिटी का जो लड़का था जिसने हमको यहाँ पर आते वक्त रुका और फिर हमसे वो साइन करवाया, उसमें हमसे ज़्यादा समझ है, हमने इतनी सारी फिल्में बनाई हैं। तो हम कहानी बना तो लेते हैं, मगर कहानी सुनकर उसकी उस पर सही किस्म का रिस्पांस देना, सही जगह पर उंगली रखना, कहना कि साहब ये इसमें ये नहीं है, इसमें ये वीकनेस है, वो स्टोरी लिसनर में होती है। इसलिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं, भारतीय जुड़े हुए होते हैं, हमने भी इतनी सारी फिल्में बनाई, इतनी कॉन्फिडेंस बनाई, मगर पानी नहीं मांगा उन फिल्मों ने, क्योंकि वो दर्शक के पास वो एक सोच होती है। तो मेरे ख्याल में जो कंटेंट म्यूजिक के क्षेत्र में यह है कि द लिसनर, अच्छा गाना आपके पास पहुंच ही जाता है। और ये तो मैं कहूंगा, छाती ठोक के कहूंगा, इनसे कहूंगा कि आपको किसी पीआरओ की जरूरत नहीं है, आप पीआर मशीनरी नहीं ढूंढता, वो अपने आप फैलती है। तो अच्छा गाना, अच्छी फिल्म, अच्छा कंटेंट किसी भी फील्ड में, अच्छी किताब, वो आग की तरह फैलती है, आप रोक ही नहीं सकते, और उनका उसका फिर असर सालों साल रहता है। जैसे एमएम क्रीम का गली में आज चांद निकला, तू मिले एक दिन खेले, नदीम शरण के गाने जो आशिकी के हैं, बहुत सारे गाने, शहीद कादरी के गाने, आवारापन बंजारापन, तो ये सारे गाने वक्त के साथ में कहीं पर पुराने ही नहीं हुए, उस पर उन पर झुरियाँ पड़ी ही नहीं, क्योंकि उनकी रूह जो है बहुत ही सच्ची थी, और उसमें उस वो हर एज पे रेलेवेंट है। उसके लिए तैयार है कि ओवरनाइट सक्सेस जितना जल्दी मिलता है उतना जल्दी चला भी जाता है, सफर लंबा है बट हाँ वहीं तक पहुँचना है। अरे हर फ्राइडे जो है तकदीर लिखते हैं आप लोग हमारी। अच्छा बट सर आपसे एक क्वेश्चन है कि आज के टाइम में आपको नहीं लगता कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन टुवर्ड सिनेमा वो चीज़ कहीं ना कहीं छीन ली गई है, क्योंकि मेकर्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि उन अगर कोई भी क्रिटिसाइज करे या फिर एक्टर्स, आपको क्या लगता है ये लूप है कहीं ना कहीं जो सिनेमा जिस तरह पे जा रहा है अभी? सवाल समझ ही नहीं पाया।
कि आज के टाइम में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है सिनेमा को लेकर के, कि आप अपनी लाइक क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो इन फ्रंट ऑफ मेकर्स या फिर एक्टर्स एक्सेप्ट नहीं करते उस चीज को मोस्टली। मुझे तो लगता है कि आज का वक्त जो है ज्यादा ब्रूटल है। आज के दौर में टू बी अ कंटेंट क्रिएटर, टू बी एन एक्टर, आपके पास गोरा चाहिए, क्योंकि पहले तो वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड होता था, तो आहिस्ता आहिस्ता होता था। आज तो फिल्म आपकी लगने से पहले पहले शो से आपकी ऑब्चुरी जो है लोग लिखने के लिए तैयार। कुछ लोगों को सुख दूसरों को दुख देखकर ही मिलता है, और ये इस पेशे की ये एक सच्चाई है कि जिसके पास एक लेजिएटर स्पोर्ट कहते थे ना, कि जहाँ पर वो एरिना में लोग बैठते थे, फिर एक आदमी आता था और पिछले आते थे और फिर आपको लड़ना पड़ रहा था और बाकी सब जीतते थे, ताली बजाते थे, अच्छा है काटो मारो। तो कुछ हर फ्राइडे जब हमारी फिल्में लगती थी तो ग्लैडिएटर स्पोर्ट भी समझिए, क्योंकि किसी को उसको जलील करना वो भी एंटरटेनमेंट का हिस्सा हो गया है सब कुछ। और जो इस असलियत से मुँह फेरता है वो कंटेम्प्रेरी दौर में जी ही नहीं पाएगा। ये आप मीठा मीठा हाँ हाँ, कड़वा कड़वा थू थू, ये नहीं चलेगा। दोनों सच्चाई है, और जो इसको इसके साथ जी सकते हैं वो जिएंगे, जो नहीं जी पाते छोड़ जाते हैं, थक जाते हैं, बर्दाश्त नहीं होता। एक हॉरर फिल्म में म्यूजिक देना, यू नो स्कोप आई नो कितना होता है नहीं होता, इट्स अ चैलेंज। मैं चाहूंगा कि सवाल पूछा जाए इनसे, नहीं तो मैं वहां पीछे जाके बैठ जाऊंगा। मैं पुनीत और श्वेता से जानना चाहेंगे ना, एक फ्रेंचाइज थी जो 1920 विच वाज अ वेरी सक्सेसफुल रही और हर चीज उसमें बहुत ही अच्छी थी, म्यूजिक वाइज और इट वाज सो गुड। एक्चुअली तो पॉसिबिलिटी तो थी, बट अगेन फ्रॉम योर साइड, फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, एक हॉरर फिल्म में म्यूजिक देना डिफिकल्ट टास्क है। ऑफ कोर्स थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा परेशानी हुई या प्रॉब्लम आती है सामने। म्यूजिक है, उसमें आपको हॉरर क्रिएट करना है, दैट डजंट मैटर। बट हाँ, ये बात भी है कि हमने काफ़ी गाने बनाए इसके लिए, एंड काफ़ी गाने बनाए हमने, मतलब उसमें से सिलेक्ट हुए हमारे ये कुछ गाने जो हमें लगता है कि यार ये दिस विल वर्क, दिस सॉन्ग विल वर्क। चैलेंजिंग मुझे लगता है राइटिंग वाइज ज़्यादा था, क्योंकि पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं के पास आती थी क्योंकि ये वहाँ पे ही रहती है, तो सबसे पहले सिचुएशन इन्हें पता चलती थी। मैं अपना मन बना लेता था कि ये पहले लिख के देंगी, उसके बाद मैं काम करूँगा, बिकॉज आई फील एज कंपोजर कि इफ आई सी राइटिंग अगर बहुत सही है गाने की, तो मुझे नहीं लगता कि गाना बनने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ये बात बिल्कुल सही है। कैफी साहब गाना लिखते थे, जगजीत आता था, अर्थ के गाने, तीन गाने जो हैं वो बिल्कुल मॉडल गाने हैं, और वो हम लोग उनकी उसकी छोटी सी फियट होती थी पीछे से, वो हार्डून निकालते थे उसको लेकर उनके कैफी साहब के लॉन में आते थे, वो कैफी साहब आते थे और वो बहुत ही झिझकते हुए बहुत ही नर्वसली अपना कलाम सुनाते थे जो सिचुएशन पे है, और जब फिर मेरी तरफ देखते थे, और मैं उम्र में बहुत कम था, मैं 33-34 जब आज बनी थी, तो मैंने कहा कि बहुत अच्छा समझ में आ गया तेरे को तो कहते थे। और फिर वो जगजीत वहीं पर बनाता था तुमको, और एग्जैक्टली ये बात जगजीत ने भी कही थी जो आप कह रहे हैं, कि मरहूम जगजीत जो है जिसकी गानियाँ आज भी आप सुनते हैं, कि अच्छा गाना जो है अपनी धुन जो है साथ में लेके आता है, लफ्ज अलग थे, प्रदीप शिपाही साहब भी ऐसे कहते थे, मगर बख्शी साहब भी कुछ ऐसे ही कहते थे। तो ये सही कह रहे हैं कि वो जब अच्छी राइटिंग होती है तो धुन कहीं पर उसकी कोक में ही छुपी होती है। आफ्टर फ्यू मिनट्स उसने गुनगुना के भेज दिया,
बिकॉज मैंने कहा ना कि अगर किसी कंपोजर को राइटिंग की समझ है तो उसको धुन बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, बिकॉज वो जानता है कि राइटिंग में क्या सोच के उसको लिखा हुआ होगा। तो वो अगर अगर आप वो स्कैन करना जानते हैं तो मुझे नहीं लगता कंपोजिंग में कोई प्रॉब्लम आती है। बट श्वेता ने बहुत अच्छा लिखा है एंड दो तीन तो लिखे थे हमने वर्जन, हर गाने के दो तीन वर्जन तो लिखे थे। अभी लोरी आई नहीं है, जिस लोरी की हम बात कर रहे हैं वो श्रेया जी ने गाया है एंड अभी आज या कल तो आप सुनिएगा, बहुत ही कमाल की लोरी है। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा बॉलीवुड की पहली हॉन्टेड लोरी है ये, आज तक कभी भी हॉन्टेड लोरी नहीं आई है यहाँ पे। तो ऐसा कि यूक्रेन में कोई यूक्रेन में जंग चल रही है उसमें माँ जो है अपने बच्चों को एक सुलाने के लिए एक लोरी सुना रही है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इस गाने को हाईलाइट मिलेगा बिकॉज एक तो लोरी है ऊपर से हॉन्ट है। तो जिस तरह से हॉलीवुड में ललबाइज आते हैं हॉन्टेड ललबाइज हमारे यहाँ नहीं है, दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे जो आज की जनरेशन है यूथ है, एक छोटा सा सवाल आप मेरे सामने मेरे बच्चों का अपमान नहीं कर सकते, ये फोकस मार्केटिंग है, ये मंच इनका है, आप पहले इनसे पूछिए। सर इनसे ही सवाल कर रहा हूँ, वही सीता जी, सीता जी एक छोटा सा आपका क्वेश्चन है कि जो यंग जनरेशन है यूथ है जो भी चीज़ आपने अभी प्रोजेक्ट तैयार किया उसमें आप क्या उनको मैसेज देना चाहते हैं म्यूजिक के थ्रू? मुझे लगती है कि यंग जनरेशन ना ऑलरेडी बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट लोग हैं, तो मैसेजिंग की तो मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है। वो लोग उन्हें पता है कि क्या अच्छा है क्या नहीं है। एक हम सोच लेते हैं कि यार इन्हें यही पसंद आ रहा है तो हम वही सर्व करते रहते हैं, वैसा नहीं है। उनका लगता है मुझे टेस्ट हम लोगों से भी ज़्यादा है, वो ग्लोबल सुन रहे हैं, अच्छा बुरा सब सुन रहे हैं। तो मैसेजिंग तो ऐसे कुछ नहीं है बट एक होप है कि उन्हें पसंद आएगा, उस तरीके से अच्छा। सवाल अब आपकी फिल्म अब रिलीज़ हो जाएगी, थिएटर में आएगी, लेकिन इन दिनों और एक फिल्म आई है बहुत ही चर्चा में है क्योंकि आप हैं तो आपसे सवाल लोग पूछेंगे, आप जहां भी जाएंगे, मैं नहीं पूछूंगा तो कोई और पूछेगा, आदि पुरुष, तो बहुत चर्चा चल रही है। पुनीत दीक्षित कमाल का म्यूजिक डायरेक्टर जो है, कमाल के राइटर हैं दोनों मध्य प्रदेश मेरे 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 फिल्म में एक नई जान चुकी है। आपने ना इसके पहले सवाल पूछा था कि आगे आप लोग क्या करने वाले हैं, तो एक स्ट्रगलर फिल्म है जो इन्होंने लिखी है, यही डायरेक्ट करने वाली है, तो मैं और पुनीत ही उसमें म्यूजिक देंगे। आपका पहले सवाल का जवाब। अच्छा श्वेता, कभी ऐसा हुआ कि राइटिंग में आपने की वो सर को आपने दिखाया तो सर ने कहा कि नहीं कुछ लफ्ज ऐसे नहीं ऐसे कर दो, अगर कोई किस्सा अगर आपसे लफ्ज के साथ? सर नहीं, वो लफ्ज के साथ छेड़छाड़ नहीं, बट हाँ फीलिंग के लिए कि थॉट कि ये हो सकता है और बेटर। तो मैंने बोला ना कि मैं तो चोर हूँ, मतलब उसमें कोई वो नहीं, बॉस मुझे बताते थे सिचुएशन, हम लोग डिस्कस करते थे और उन्हीं के कहे को मैं लिख देती थी। भट साहब अच्छा आपने देखी तो होगी फिल्म आदि पुरुष, अगर उसी के लिए हम आए हैं। नहीं मैं भट साहब ने नहीं देखी, नहीं देखी ना मैंने देखी, भट साहब ने हर मुद्दों का जवाब देते थे लेकिन अब कुछ गाना सुना दीजिए। अरे सुनाएंगे उसी दिन, गाना सुना देंगे तो शायद आप लोग सवाल पूछ पाएंगे, अभी अगर आप लोगों ने नहीं सुने तो बेटर है कि गाना सुनाएं। अपनी आवाज में गाते भी बहुत बढ़िया, गाइए 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 ठीक है। अच्छे महापुरुष पुनीत साहब बैठे आगे पुरुष आगे पुरुष मेरे पास उसकी क्लिप है, कैसे दिखाओगे? मोबाइल फोन पे नहीं नहीं कहाँ देखेंगे?
ठीक है मैं गाना सुना रहा हूँ हमारी फिल्म का जो मैं जिस गाने के बारे में बात कर रहा था वो कहानी फिर कभी मैं उसका अंतरा सुनाता हूँ आपको बड़ा प्यारा अंतरा लिखा है श्वेता ने कैसी काली रात थी जिसने सब कुछ मेरा छीन लिया है जिसको बुना था हाथों से अपने रिश्ता वो पल में टूट गया है होगा सवेरा फिर से वही वो कहानी फिर कभी अब हम मिलेंगे ना कहीं वो कहानी फिर कभी ये जो धुन है वो कहानी पे रही ये तो उसी समय आ गई थी जब हम ये मैंने भट्ट साहब के मुंह से ये लाइन सुनी थी तो जैसा कि भट्ट साहब ने कहा ना कि गाना अगर सही सेट है तो वो अपने आप धुन लेके आता है उसी की सोल वहीं पे होती है एंड देन वो हमें मिल जाता है भट्ट साहब हम तो चाहेंगे कि यू नो आप डायरेक्शन करते थे तो कोई प्लान है यू नो कुछ वो जो श्वेता बोथरा जी इंदौर से आई है ये जबलपुर के हैं जंगलों में रहते हैं बाघ के साथ और मैं बार बार पूछता हूँ कि यार वहाँ पर बाघ शेरों की दहाड़ सुनकर तू यहाँ पर कैसे आ गया जैसे एवन क्रीम और आनंद बख्शी साहब का जिक्र किया जैसे समीर और नदीम शरण का मैंने जिक्र किया आने वाले कल में लोग पुनीत दीक्षित और श्वेता बोथरा का जिक्र करेंगे आप इतना बड़ा